आ जाना यार, मैं बनछोड़दा सा समीर भी है। तू पहले बैटिंग ले लियो, क्रिकेट क्यों नहीं खेलना? लूट मचानी है। अबे तू नीरव मोदी है क्या? क्या पबजी में लगा हुआ है यार, आ जा। हेलो हेलो, अबे क्या हुआ? कोई आउटडोर स्पोर्ट्स खेलने के लिए तैयारी नहीं है? पहले चार दोस्त मिलके लंगड़ी, क्रिकेट, पिट्ठू, फुटबॉल खेलते थे, अब वही चार दोस्त अपने अपने घरों में बैठ के मोबाइल में लगे रहते हैं। टाइम चेंज हो गया है। इससे अच्छा हाला प्ले डाउनलोड कर लो, सबसे तगड़ा फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म है। क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी और दूसरी फैंटेसी गेम्स खेल के, वो भी कंफर्म लाइनअप के साथ, अपनी टीम चुन के असली पैसे कमा सकते हो। सीधा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर। दोस्तों को रेफर करने से बोनस भी मिलता है, जिसे खेलने के लिए 100% यूज कर सकते हैं। कब तक नकली क्रेड खोल के वही मुकुट और चढ़िया पहनते रहेंगे? मुलाकात हो ना हो, ओसे गाओ, नहीं पता। ओ मेरे दिल के चैन, काके चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। मामा क्या कर रहे हो? बेटा तेरी मामी के साथ अंताक्षरी खेल रहा हूँ। ये होते हैं गेम। डी से कोई गाना बता। दिल देखे देखो हो गया ये वाला। मैं कविता, मैं रशिया में नहीं हूँ, मैं दिल्ली में हूँ। देश पासी तो दल मन खाएंगे नमकीन चीटो, मंजी की बीवी परम जीतो। सुन बे देसी गान बिला की साबुन, को हिंदी गाना बता। Do me a favor, let's play होली। ई से गाओ। इनो मीनो डिका होला फोफड़ी का। कविता मैं बाद में फोन करता हूँ, अभी पॉटी आई है। मामा बाथरूम चले जाओ। नहीं मैं ये पॉटी की बात कर रहा हूँ, जो चलती फिरती हमारे घर आ गई। बहुत गुस्सा है अभी भी टीटू भाई, पुरानी बातें भुला दीजिए। होली है तो हम क्या करें, रंगों का त्योहार है, हम कलर ब्लाइंड हैं क्या? मेरा बर्थडे भी है। तेरवी कब है? यहाँ क्यों आया? मैं पुरानी बातें भुलाना चाहता हूँ। तो ये क्या तेरी महबूबा का कोठा है जो यहाँ गम भुलाने के लिए आया? दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता हूँ। हम नोकिया वाले दिखते हैं। मेरे साथ जो तूने किया सो किया, लेकिन मेरे बच्चों को तंग करने वाले को मैं कभी माफ नहीं करूंगा। बेटा तू तो समझदार है। तो हम क्या स्प्लिट फेला देखते हैं? तुम समझाओ इनको, दोस्ती का हाथ बढ़ाने से कोई छोटा नहीं होता। हाथ बढ़ाने वाला हाथ काट भी सकता है। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तो हाथों में क्या होना चाहिए? लवड़ा। एक और हाथ। खामियां सब में होती है, तुझमें है, मुझमें भी है। तेरे पापा को ऑफिस में देखता हूँ तो लगता है इतना भोला आदमी इसके साथ बुरा कैसे हो सकता है। उससे तो माफी नहीं मांग सकता, इसलिए तेरे पास आया हूँ। बेटा अंकल ऐसा मत बोलो, जो हो गया सो हो गया। अरे अरे नहीं यार, पुरानी बातें भुलाएंगे, नई शुरुआत करेंगे। ठीक है, अगर तुझे लगता है, विल गिव यू अनदर चांस। दिल खुश कर दिया टीटू भाई, दोस्ती वही है जो किसी को उदास ना देखे, मन में खटास ना देखे। आप मेरी फेक स्माइल देखिए, अंदर की भड़ास ना देखें। ये लो मेरे बर्थडे की मिठाई खाओ। पेड़े? बूंदी के लड्डू पेड़े नहीं होते, हिला हिला के हमारे टेढ़े नहीं होते। आओ टीटू भाई। अरे वाह होला जी, आप यहाँ पे? बबलू जी। और कैसा चल रहा है सब? ठीक है, बीच में शराब की बोतल का सहारा लेना पड़ा। अरे रे फिर? फंस गया बोतल में। मतलब? रिश्तों के भी रूप बदल। अरे भुवन बेटा क्या हो गया? बाबा हम कितने आलसी है ना। क्यों? सारे प्लैनेट्स के मून के नाम अलग अलग है, लेकिन हमारे प्लैनेट के मून का नाम ही मून है। तूने भांग पिए? लड्डू। बेटा तूने अपने पापा को बताया नहीं कि तू कितनी पॉर्न देखता है? पॉर्न क्या होता है? पापा देखो पॉर्न ना एक तरह की फिल्म होती है जिसके अंदर लड़का लड़की के बीच होता है। क्या होता है ढंग से बताओ। लड़की प्लम्बर को बुलाती है, प्लम्बर आता है, फिर वो नल का ठीक कर ही रहा होता है, इतने में लड़की का मन डगमगा जाता है, फिर वो टूटे नल के सामने मचाते हैं, बेडरूम में मचाते, सोफे पे मचाते, अगले दिन बाथरूम में मचाते, पूरे बालकनी में मचाते। क्या होता है बेटा? वो जैपनीज पॉर्न देखता है। जी तेरा नींबू पानी बनाओ तो मैं देखता हूँ। अच्छा मैं तेरे को एक और मौका देके मैंने गलती कर दी। अब पता चलेगा तुम्हें कि होला से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। तुम्हारे हरे भरे घास जैसे संसार में मूत दिया मैंने। घास में पेशाब करने वालों के पैरों पे अक्सर छींटे गिरती है। मैंने तो पहले बोला था बवासीर का कोई इलाज नहीं है। क्या चिरांद आदमी है वेंचू, एक तो हमने आपसे दोस्ती किया और ऊपर से धोखा। बेटा चूतियों को ज्ञान और उनकी बातों पे ध्यान बिल्कुल मत दो। बहुत बेइज्जती करी थी तुमने मेरी, जनवरी याद है? जिंदगी में मिल जाए तेरे जैसे गणमरी के तो फिर क्यों याद रखें किससे जनवरी के। आज इसके आपको पता चल जाएगा कि ये कितनी अश्लील फिल्में देखता है। वाईफाई ना मिले तो 4G,
4G ना मिले तो हॉटस्पॉट। तो तेरी क्यों चल रही है जी स्पॉट ढूंढने की उम्र में हॉटस्पॉट ढूंढ रहा है? पिछले हफ्ते लड़की भी तो लेके आया था पीछे के दरवाजे से। अजीब देश है, दिन दहाड़े किसी की चोरी हो जाए तो पड़ोसी तक को पता नहीं चलता, और एक लड़का लड़की को घर में ले आया पूरे मोहल्ले में पता है। अरे आज की करने कहा जाएंगे ऑटो में? कितने प्रतिशत बात की, आपको शर्म नहीं आती लोगों के घरों में झांक के देखते हो? तुझे भी बर्बाद कर दूंगा। जो बंदा बुखार में भी हिला ले उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। मामा पापा मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? डर पैदा करने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि बच्चे पैदा करना तेरा बस की नहीं है। चुटकी में बच्चे पैदा कर सकता हूँ मैं। इतना आसान होता तो फिर थानोस की चुटकी बजाते ही सारी औरतों के भटूरे भूल जाते। पापा को पता चल जाएगा कि मैंने उनके नमकीन का पैकेट खत्म किया था। और मामा मैंने पिछले हफ्ते त्रिशा को पीछे के दरवाजे से अंदर लाया था, लेकिन सिर्फ फर्स्ट बेस तक गए थे, उसके आगे नहीं गए। ओला बाहर से बोला चबा, मैं चबा वरना तेरा वासीपुर कर दूंगा। अब बता लड्डू में क्या मिलाया था? नशीली दवाई जो सच बुलवाती है। तू मेरे घर में क्यों आया? ये लड्डू तुम सबको खिलाने। तेरा मकसद क्या है? तुम्हें ब्लैकमेल करने, थोड़े पैसे लेने। अब ये वीडियो पुलिस में भेजूंगा, एक बार का किस्सा खत्म। क्या खत्म? हेलो, हाँ मैं आ रहा हूँ कुत्ती। आई एम नॉट सॉरी। जैसे को तैसा, चल निकल घर जाके चुटकी बजा। मैं आऊंगा जल्दी। अबे तू डॉक्टर बत्रा का नोटिफिकेशन है क्या? बार बार आता रहेगा। मामा अगर पीवी सिंधु हार्डी संधु से शादी कर लेती तो उसका नाम सिंधु संधु हो जाता। इसको ले जाके सुलवा दे अंदर। चल अंदर। क्या कर रहे हो? परमिशन लेनी चाहिए ना, टच कैसे कर रहे हो? ये लो नींबू पानी। अरे कहाँ गया वो? फर्स्ट बेस फर्स्ट फ्लोर पे गया है।